फर्ज नमाजों के बाद जैसे ही फर्ज नमाज खत्म होती है कुछ लोग इधर हाथ रख लेते हैं, अच्छा कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ लोग दुआ शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सुनते शुरू कर देते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, सब हालत सही क्या है? बाद सलाह अज़कार है नमाज के, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आयतुल कुर्सी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अल मुल्क व लहु अल हम्द व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये है। इस तरह और बहुत से कुल हुवल्लाहु अहद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये एक एक दफा हर नमाज के बाद और मगरब में और फजर में तीन तीन दफा ये पढ़े भाई। और ये जब पढ़ेंगे एक और फायदा पता आपको क्या मिलेगा? सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब तक इंसान अज़कार करता रहता है तो फरिश्ते अल्लाह ताला के पास उसके लिए दुआ करते रहे। क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फिर लहु, अल्लाहुम्मा रहम, अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इस पर रहमत नाज़िल फरमा। तो प्यारे भाई, जो चीज सुन्नत सहाबा, याद रखे क़यामत वाले दिन एक बात याद रखे, उसी पर अजर मिलेगा जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जो इबादत की होगी उसी पर। ये नहीं आज बहुत सारे क्या लोग कहते हैं इसमें हरज क्या है, इसमें सबसे बड़ा हरज ये है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। इसमें सबसे बड़ा हरज ये है कि तू जो आज बात कर रहा है, तेरा ये दावा है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं चला, आज मैं इज्जत कर लूं। इसलिए जो है वही काम करे जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है।